अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू भाई और बहनों आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम पाँच मिनट के मदरसे में हमारा आज का पहला मौजू है कुरान अल्लाह ने फरमाया तरमाया वब कु अस्त जबलकुमी अन इबादती सैद्लू न जहन नवाखीन और तुम्हारे रब का फ़रमान सरजद हो चुका है कि मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा यकीन मानो जो लोग मेरी इबादत से तकबर करते हैं वो अभी अभी जलील होकर जहन्नम पहुंच जाएंगे। इस आयत में दुआ से अक्सर मुफसरीन ने इबादत मुराद ली है यानी सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो जैसे कि हदीस में भी आया है अफजल इबादती अदुआ के अफजल इबादत दुआ है और बाज लोग कहते हैं कि यहाँ पर दुआ से मुराद दुआ ही है यानी अल्लाह ताला से नफ़ा तलब करना दफ ज़र्र का सवाल करना जब ये बात साबित हो गई कि अल्लाह ही सारे जहान का रब है तो इसने अपने बंदों को अज़राहे खैर ख्वाही अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये तालीम दी कि मेरे बंदों तुम सब सिर्फ़ और सिर्फ मुझे पुकारो मैं ही तुम्हारी पुकार का जवाब दूँगा और तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा इसलिए कि सिर्फ़ तुम मेरे बंदे हो और मैं तुम्हारा रब हो मुस्त अहमद में हजरत अबू हुर रज़ील तौ से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह ताला को नहीं पुकारता अल्लाह उस पर गज़बनाक हो जाता है और एक दूसरी रिवायत में है जो अल्लाह ताला से नहीं मांगता अल्लाह ताला, ताला उससे नाराज होते हैं इसीलिए अल्लाह ताला ने इसके बाद फरमाया जो लोग किब्र गूर की वजह से मेरी इबादत नहीं करते यानी मुझे नहीं पुकारते मुझसे नहीं मांगते वो जलील और रसुवा हो करके जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे उनके लिए कोई माफ़ी नहीं होगी अगर वो लोग अपना दस्त दराज करके अल्लाह ताला से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो अल्लाह ताली उनको माफ़ी नहीं देगा अगर वह दुनिया व आख़िरत की भलाई नहीं मांगते हैं तो अल्लाह ताली उनको दुनिया और आखिरत की भलाई नहीं देगा नाजरीन चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ हमारा आज का दूसरा मौजू है सुन्नत सुन्नत में हम लोग बात कर रहे हैं वितर की नमाज़ के तल्ल से देखिए हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रजील्लावी हदी से बयान फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्हलम ने फरमायाबल अनुस्ुम लोग वितर की नमाज़ पढ़ लिया करो सुबह होने से पहले यानी वितर की नमाज हमें कब पढ़ना है सुबह होने से पहले पहले हमें पढ़ लेना है ऐसा नहीं कि आदमी सो जाए और फिर सुबह हो जाए उसके बाद पढ़े नहीं कोशिश ये कीजिए कि जो वक्त बताया गया है उसी वक्त में उसको अदा किया जाए उसका वक्त शुरू कब होता है वो इनशाला हम अगले दर्स में देखेंगे एक और रिवायत में है जिसमें हजरत उमर अब्दुल्लब अमर रजील् बयान करते हैं अल्लाह के नबी सल वसम ने फरमाया बाबह बिल वित्र के सुबह होने से पहले वित्र पढ़ लिया करो वित्र ना छोड़ो होता है आमतौर से लोग वितर नहीं पढ़ते हैं। याद रखिए वितर एक ऐसी नमाज़ है जिसको अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ा आप चाहे सफ़र में रहे हो चाहे हदर में रहे हो सफ़र में आपने बहुत सी सुन्नतों को छोड़ा है लेकिन वितर की नमाज़ एक ऐसी नमाज़ है जिसको आप हमेशा पढ़ा करते थे तो मुझे और आपको भी चाहिए कि हम वित्र पढ़ें इन वो कब से शुरू होता है वक्त कब ख़त्म होता है वो इनशाला अगले दर्ज में हम लोग देखेंगे नथिंग चलते हैं हमारे आज के तीसरे और आखिरी मौजू की तरफ मगर उससे पहले आपसे एक गुजारिश आप हमारे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें हमारा आज का तीसरा मौजू है अल्लाह की निशानियाँ अल्लाह की निशानियों में आज हम देखेंगे हवा के तल्लुक से हवा अल्लाह रब्बुलमीन ने ये मेरे और आपके लिए बनाई है हवा ही के जरिए से हम लोग सांस लेते हैं जैसे कि साइंस भी आज कहता है कि एक दूसरे की आवाज़ सुनते हैं बात करते हैं हवा के कम या ज़्यादा चलने से मौसम बनते भी है और बिगड़ते भी है आप देखेंगे ज़मीन से साढ़े तीन मील की ऊँचाई के बाद हवा की रफ़्तार हल्की हो जाती है और 500 मील की बुलंदी पर किसी जानदार का जिंदा रहना मुमकिन ही नहीं अगर ज़मीन से चंद मिनट के लिए हवा बंद कर दी जाए तो सारी मखलूक हालात व बर्बाद हो जाएगी आप देखें दुनिया में जब हवा की अल्लाह आलमीन ने एक मकदार एक उसकी जो एक रफ़्तार है वो मुतयन कर रखी है अगर रफ्तार बढ़ जाती है तो आंधी तूफान आ जाता है तो बस्ती के बस्ती शहर के शहर तबाह व बर्बाद हो जाते हैं हलाक हो जाते हैं अगर हवा कम चलती है इंसान को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है तो ये कैसा अल्लाह रब्लमीन का निज़ाम है ये कैसी अल्लाह रब्लमीन की कुदरत है कि एक मुनासिब मक़दार जिसकी मुझे आपको हम तमाम को ज़रूरत है उसी मक़दार में अल्ला रब्लमी हवा को चलाता है ये यकीनन अल्लाह रब्लमीन का निज़ाम है उसकी कुदरत की एक निशानी है कि इस चीज़ को इंसान ज़्यादा होते हुए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कम होते हुए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और इतने लंबी मुद्दत तक जैसे आज हम जिंदा है कितने सालों से ज़िंदगी चल रही है लोग जी रहे हैं हाँ मैं और आप ख़ुद देखिए हमारी ज़िंदगी गुजर रही है लेकिन अल्लाह रब्लम ने उस मक़दार को वैसे ही बाकी रखा है जितनी कि मुझे और आपको ज़रूरत है तो ये एक निशानी है एक अलामत है कि जो मुझे और आपको बताती है कि यकीनन मेरा और आपका रब है जो बड़ी शान वाला है जो बड़ी कुदरत वाला है इन चीज़ों में मुझे और आपको चाहिए कि हम चलते फिरते उठते बैठते गौर करते रहें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते रहें नादरिन ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी आप ज़रूर इंशाल्लाह इन बातों को जहन में रखेंगे इंशाल्लाह जो सुन्नतें बताई गई हैं इंशाल्लाह उन चीजों पर उन दुआओं पर अमल करेंगे अल्लाह ताला मुझे और आपको इन तमाम बातों पर अमल करने की तोफ़ी फरमाए आमीन व वरम्ह दीन की बात आम करने में आई प्लस टी वी की मदद करें पेटीएम या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें